शुरू करें। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको जानकारी रही होगी कि कल सुबह 7 बजे ईडी वालों ने हमारे मंत्री श्री सत्येंद्र जैन जी के घर पे उनकी गैर हाजिरी में एक छापा मारा। उनके घर में उनकी पत्नी, उनकी बेटी मौजूद थे। सत्येंद्र जैन अभी ईडी की हिरासत में है और ये छापा तब मारा गया जब इससे पहले सीबीआई और इनकम टैक्स पहले कई बार उनके घर पे छापे मार चुके हैं। और सुबह 7 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक ईडी वाले घर की तलाशी लेते रहे। और मजेदार बात यह है कि 2 बजे के बाद, अब दोपहर के 2 बजे और उसके बाद अब शाम हो गई, अभी तक ईडी वालों को यह बताने में बड़ी तकलीफ हो रही थी कि सत्येंद्र जैन साहब के घर पे आखिर मिला क्या। भाई छापेमारी में कुछ तो मिलेगा या ईडी की रेड फेल हो गई। ये एक फेल्ड रेड थी। अब भाजपा वाले लोग इतने गजब के झूठे हैं, झूठ बोलने में इतनी मास्टरी है इनकी कि सत्येंद्र जैन के घर कुछ मिला नहीं, मगर अब इज्जत कैसे बचाई जाए। केंद्र सरकार की इज्जत दांव पे है, ईडी की दिक्कत इज्जत दांव पे है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इज्जत तार तार जो है भाजपा के प्रवक्ताओं ने कर रखी है। तो एक झूठी अफवाह फैलाई जा रही है कि पता नहीं कितना करोड़ रुपया मिल गया, सोने के सिक्के मिल गए। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला ये नहीं बता रहे और ये बताएंगे भी नहीं। तो ये है ईडी की रेड का सीजर मेमो, जिसको हिंदी में पंचनामा कहते हैं, जिसमें 2 प्राइवेट लोगों के हाथ सामने विटनेस के रूप में आप किसी के घर की तलाशी लेते हैं और तलाशी लेने के बाद आपको ये लिख के देना होता है कि आपको उस तलाशी में क्या मिला, और जिसके घर में आपने सीजर किया उसको ये देना पड़ता है क्योंकि वो सामने बैठा होता है। तो सत्येंद्र जैन साहब की पत्नी और बेटी उस वक्त घर पे थे, उनका नाम इस पे लिखा हुआ है। और इसमें क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। एज अ रिजल्ट ऑफ द सर्च, वेरियस डॉक्यूमेंट्स, 1 डिजिटल डिवाइस अलॉन्ग विथ 2 लॉकर कीज वर सीज्ड एज पर द डिटेल्स मेंशन्ड इन द शेड्यूल बिलो। इंडियन करेंसी टोटलिंग टू रुपीज 2,79,200 वॉज ऑल्सो रिकवर्ड ड्यूरिंग द रिसर्च। 2,79,200 रुपए। और अगली लाइन क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हाउएवर द सेम वॉज नॉट सीज्ड। 2,79,200 रुपया मिला इन्हें, और क्योंकि उसकी भी अकाउंटिंग, वो कहां से वो पैसा आया है, वो वहां मौजूद था और उनको बताया गया, इसलिए वो पैसा भी ईडी ने सीज नहीं किया, वापस दे दिया। अगर वो पैसा भी अनअकाउंटेड होता तो ईडी उसको भी सीज करती, उसको भी वापस दे दिया। इट वॉज नॉट सीज्ड। ये क्लीन चिट है ईडी डिपार्टमेंट की उस सर्च के बाद, उस रेड के बाद। मगर बाद में भाजपा की केंद्र सरकार को लगा अब तो बेइज्जती हो गई, इज्जत नीलाम हो गई, लोग कहेंगे अरे सुबह 7 बजे घुसे, रात को 2 बजे तक तुम ढूंढते रहे, मिला क्या? कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। तो इज्जत बचाने के लिए भाजपाइयों ने झूठ फैलाना शुरू कर दिया, ये करोड़ रुपए मिल गए, वो करोड़ रुपए मिल गए, इतना सोना मिल गया। तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि इस सर्च मेमो को,
इस सीजर मेमो को आप लोग भी दिखाइएगा, मैं अभी इसको ट्विटर पे भी डालूंगा और सोशल मीडिया के दोस्तों से भी कहूंगा कि वे भी इसको जो है सोशल मीडिया पे शेयर करें। आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जी जी जी, इसमें लिखा है करेंसी, इंडियन करेंसी टोटलिंग टू रुपीज 2,79,200 वॉज ऑल्सो रिकवर्ड ड्यूरिंग द सर्च, हाउएवर द सेम वॉज नॉट सीज्ड, क्योंकि वो अकाउंट है उस पैसे का, इसलिए वो सीज नहीं कर सकते, उसको उन्होंने वापस दिया। अब आप देखिए, किसी ज्वेलर के घर पे आप छापा मार दीजिए, उसके घर सोना ही मिलेगा, सुनार के घर क्या मिलेगा, सोना मिलेगा, और सोना बेच के उसके घर क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब तो आप किसी के भी घर रेड मार दे और सबको, किसी को भी करीबी बना दीजिए। अब ये तो बड़ी अजीब बात है, जैन साहब के घर पे क्या मिला, सत्येंद्र जैन और पूनम जैन के घर पे क्या मिला, ये आप बताइए। आपने उनके सरकारी घर पे भी छापा मारा, आप उनके पर्सनल घर पे भी गए सरस्वती विहार में, वहां क्या मिला वो नहीं बता रहे। ईडी सिर्फ और सिर्फ अपनी फेल रेड को बचाने के लिए अलग अलग लोगों के नाम की संपत्ति और पैसे को इनके साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, वही जोड़ने की कोशिश वो कोर्ट में कर रही है। और कोई सवाल? नहीं, इसका कुछ बनेगा ही नहीं ना, हमें कोर्ट में जाने की कोई जरूरत ही नहीं, इसको कोर्ट के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनके स्पोक्स पर्सन चीख चीख के जो भी बोले उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू इस कागज की है, सीजर मेमो की है, कि सत्येंद्र जैन साहब के घर पे क्या मिला वो ये। देखिए, ईडी की डेस्परेशन का कारण ही ये है, ईडी को मालूम है कि 7 सालों में ईडी कोई नया सबूत नहीं जुटा पाई, वही कहानी जो 7 साल पहले सुना रहे थे, वही कहानी जो है आज टीवी पे सुनाते हैं, वही कहानी इनके प्रवक्ता जो है डिबेट्स में सुनाते हैं, वही कहानी इनके वकील कोर्ट के अंदर सुनाते हैं, इनके पास कुछ नया नहीं है। उसकी डेस्परेशन में कि कुछ मिल जाए जिस बहाने इनकी कस्टडी बढ़ा लें, कुछ मिल जाए जिससे न्यूज बन जाए, किसी को बदनाम कर दिया जाए, इस मकसद से किया गया, मगर फेल हो गई रेड। इनको थी उम्मीद कि कुछ ना कुछ तो नया मिल जाएगा, मगर इनकी रेड जो है पूरी तरह से फेल हो गई। और कोई सवाल? धन्यवाद।